subscribe to Hunstack channel and hit on bell icon to see latest technology videos. Hey guys, welcome to Hunstack. My name is Vinay. Thanks to subscribe my channel and thanks for love and support. So guys, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Lenovo S5 के बारे में. Lenovo ने कल ही अपने चाइना में एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा है Lenovo S5. तो इस वीडियो में मैं आज आपको Lenovo S5 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये Redmi Note 5 Pro की स्पेसिफिकेशन इसके कंपैरिजन अच्छी है या बुरी. तो आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की. जो Lenovo S5 है उसमें हमें डिस्प्ले का साइज मिलता है वो 5.7 इंच 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आता है. 5.7 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है Lenovo S5 में. और इसके बाद इस पर जो प्रोटेक्शन मिलता है वो 2.5D कर्व ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, बट इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता. 2.5D का ग्लास भी हमें Redmi Note 4 में देखने को मिला था. तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की. जो इसमें प्रोसेसर मिलता है वो Snapdragon 625 मिलता है 2GHz क्लॉक स्पीड पर. यानी कि Snapdragon 625 मिलता है बट ये प्राइस सेगमेंट में ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है. बट मैं एक्सपेक्ट करता था कि इसमें Snapdragon 630 होता तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता Redmi Note 5 Pro का. बट इसमें जो अनफॉर्चुनेटली Redmi Note 5 Note 4 में भी सेम प्रोसेसर दिया हुआ है Snapdragon 625 का, तो ये दोनों ही सेम प्रोसेसर के साथ सेम हो गए. सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कैमरे की. जो Lenovo S5 है उसमें हमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो जिसमें हमें 13+13 का रियर कैमरा देखने को मिलेगा और दो तरह की आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी जो इसके रियर साइड पर होगी. तो इसके बाद जो इसका अपर्चर साइज होगा वो f2.2 का अपर्चर साइज होगा, जिसकी मदद से आप बुके इफेक्ट्स या पोर्ट्रेट मोड जैसी फोटोज आसानी से क्लिक कर सकते हैं. तो इसके बाद जो आपके फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें हमें अपर्चर साइज f2.2 का देखने को मिल जाता है. और आप इसे, अच्छी बात यह है कि इसे आप 80.2 डिग्री के साथ वाइड एंगल के साथ ये फ्रंट कैमरा आएगा और ये ऑटो फोकस के साथ होगा. यानी कि आप आपकी जो इमेज होगी वो ऑटो फोकस के साथ होगी, आपको इसमें पोर्ट्रेट शॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे. तो गाइस, इसमें जो हमें एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है वो एंड्रॉइड ओरियो मिल जाता है, जो एक काफी अच्छी बात है कि हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड ओरियो मिलता है. सो गाइस, जो बेस्ड है वो इनका अपना कस्टम UI है जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है ZUI, जिसकी मदद से आप आसानी से गेस्चर्स कर सकते हैं. यानी कि आप iPhone 10 जैसे गेस्चर्स कर सकते हैं. इनमें आपको इन स्क्रीन होम बटन नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप गेस्टर्स के साथ ही फोन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं बैटरी की. जो इसमें बैटरी मिलती है वो 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो 10 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यानी कि आपको Lenovo के फोन्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि हमें इसमें Redmi Note 5 Pro में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिला था. तो इसके बाद जो इसमें जो हमें USB पोर्ट मिलेगा वो USB पोर्ट टाइप सी पोर्ट मिलेगा. जी हाँ, USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा. तो कुछ हद तक ये Redmi Note 5 Pro से बहुत अच्छा है. और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इनके कलर और वेरिएंट की. जो इसमें कलर आएगा वो दो कलर आएंगे, एक ब्लैक और रेड. और इसके बाद जो इसमें वेरिएंट मिलेगा वो 3GB 32GB और 3GB 64GB. और इसके बाद एक हायर वर्जन होगा जो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये काफी अच्छा है. तो हम बात कर लेते हैं इसके दोनों तीनों वेरिएंट की प्राइस की. बात कर लेते हैं जो 3GB और 32GB स्टोरेज की प्राइस है वो 10,300 रुपए रखी हुई है, और जो 3GB रैम 64GB स्टोरेज वाला है उसकी प्राइस रखी है 12,400 रुपए. और जो 4GB 28GB स्टोरेज की प्राइस है वो काफी अच्छी प्राइस है, जिसकी प्राइस रखी हुई है इन्होंने 15,400 रुपए. सो गाइस, आप तीनों वेरिएंट में कोई भी परचेज कर सकते हो अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है. शायद Lenovo कुछ ऐसा कर दे कि जो इसका प्राइस है वो चेंज कर दे, यानी कि Snapdragon 625 है जो उसको चेंज कर इंडिया में कोई और प्रोसेसर लॉन्च कर दे, और जो 4GB 128GB स्टोरेज वाला है उसकी जो प्राइस है वो और कम कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि ये जितने भी फोन इंडिया में लॉन्च करते हैं वो कम प्राइस में लॉन्च करते हैं बजट सेगमेंट में देखकर. और इनका जो कंपटीशन होगा वो सीधा ही Redmi Note 5 Pro के साथ होगा. बट आपको कई स्पेसिफिकेशन अच्छी मिलती है Lenovo और Redmi में से. Redmi Note 5 Pro में आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती, बट Lenovo S5 में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है. बट इसका जो प्रोसेसर है वो ही कमी है इसकी, बाकी सब कुछ अच्छा है. और इसमें अगर ये इसमें प्रोसेसर अच्छा ला जाते Snapdragon 630 या एटलीस्ट 636 की तो छोड़ो बात, 630 लाते हैं तो ये काफी अच्छा होता. और इसके बाद अगर इसकी बैटरी 4000 mAh कर देते तो ये काफी अच्छा होता, और ये डायरेक्ट कंपटीशन करता Redmi Note 5 Pro को. बट आने वाले समय में देखते हैं कि Lenovo हमारे लिए क्या लेकर आता है. शायद Lenovo इसका प्रोसेसर चेंज कर दे और थोड़ी प्राइस भी कम कर दे. बट 15,400 रुपए ठीक है 128GB स्टोरेज में, हमें कोई भी कंपनी इतनी कम प्राइस में इतना अच्छी स्टोरेज वाला फोन नहीं लाकर देती.
सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। सो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेरी पुरानी वीडियोस या न्यू वीडियोस के लिए तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए। आपको बस करना क्या है कि आपको आस्क HT कर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैं बाद में सभी क्वेश्चन पिक कर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें आपके आंसर दे दूंगा। तो थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू।